नरसिंहपुर के गोटी गांव एसडीएम को लोकायुक्त जबलपुर की 5 सदस्यीय टीम ने 2 लाख की रिश्वत के साथ धर दबोचा। गौरतलब है कि आगामी चुनाव के लिए गोटी गांव एसडीएम रमेश वंशकार को रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वंशकार छोंतेश्वर स्थित रेस्ट हाउस में कमरे में रह रहे हैं। इसी रेस्ट हाउस में आज लोकायुक्त ने कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि आर के कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार सुरेंद्र राय से खदान आवंटन के नाम पर एसडीएम रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत सुरेंद्र राय ने लोकायुक्त को की थी। नरसिंहपुर के गोटे गांव एसडीएम को लोकायुक्त जबलपुर की 5 सदस्यीय टीम ने 2 लाख की रिश्वत के साथ धर दबोचा। गौरतलब है कि आगामी चुनाव के लिए गोटे गांव एसडीएम रमेश वंशकार को रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वंशकार छोंतेश्वर स्थित रेस्ट हाउस में कमरे में रह रहे हैं। इसी रेस्ट हाउस में आज लोकायुक्त ने कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि आज कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार सुरेंद्र राय से खदान आवंटन के नाम पर एसडीएम रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत सुरेंद्र राय ने लोकायुक्त को की थी, जिसके चलते आज लोकायुक्त ने एसडीएम को रिश्वत लेते धर दबोचा। गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होने के बाद लोकायुक्त की जिले में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मामले को लेकर आरोपी ने लोकायुक्त पर झूठी कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। वहीं उनके पास से अन्य 2,65,000 की राशि मिलने की बात भी स्वीकार की गई है। हालांकि उसे आरोपी एसडीएम ने घर बेचने से राई राशि बताया है। वहीं लोकायुक्त ने 2 लाख की रिश्वत के साथ वंशकार को पकड़ने की बात कही। कार्रवाई हुई है लोकायुक्त की, क्या कहना चाहेंगे? कोई मामला नहीं है जी, और न ही वैसे कोई जानकारी है जी। मैं रेस्ट हाउस ज्योतिषर में सरकारी में रहता हूँ जी। मेरा कमरा टोटली लॉक रहता है, बाहर बैठक है, कौन आता है दिन में, कौन जाता है, चला जाता है, मुझे इसी कोई जानकारी नहीं। तब क्या कह रहा भाई, जैसे क्या हुई है, मतलब मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है सर। लोकायुक्त डीएसपी साहब का कहना है कि हमने आपके कमरे से 2 लाख रुपए बरामद किए, और जो रहा है उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेंट की थी कि मिट्टी खदान के ऊपर आप उनके एवज में पैसे मांग रहे थे। मैं रेस्ट हाउस में जिसमें रहता हूँ, मेरा कमरा अलग है, 24 घंटे लॉक रहता है, उस कमरे को नहीं आ सकता है जी। बैठक खुली रहती है, कौन कब आता है, कौन जाता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये कार्रवाई किस लिए चल रही सर, आप क्यों लोकायुक्त के सामने बैठे हैं फिर? नहीं, लोकायुक्त अन्यथा आई तो मतलब मैंने पूछा उन्हें, मतलब कहाँ पर है, मैं अपने कमरे से निकला क्योंकि मेरा कमरा लॉक रहता है। वो उसमें सर कमरे की तलाशी भी नहीं, उसमें 2,65,000 मिले हैं आपके कमरे से? नहीं, वो तो हमने अपना मकान प्लाट बेचा है, वो तो उसके पैसे हैं, आपके प्लाट के पैसे हैं। तो क्या लोकायुक्त की कार्रवाई झूठी? बिल्कुल सरासर। फरियादी जो अपील किया उसकी, वो सिद्ध करेगा, हम अपनी बात रखेंगे। आपको फंसाया जा रहा है, आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। पहले कोई लिफाफा भी मिला है जिसमें शक्ति सिंह राजपूत का नाम लिखा है? नहीं, अब नीचे रखे मिले हैं। कहाँ पर सर? रेस्ट हाउस में जी हाँ। किस धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है? अभी धारा 7 के तहत कार्रवाई, 7 के तहत कार्रवाई की गई है, अन्य धारा बढ़ाई जा सकती है। मतलब सर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके पास से मिला है? जी हाँ, उनके कब्जे से, उनका प्रमाइसेस है। ठीक, कितने बार भाई साहब क्या मामला है? क्या मिट्टी खदान की जो स्वीकृतियाँ जारी होती हैं उसके लिए इनकी सहमति लगती है और इनको अपना अभिमत भेजना पड़ता है जी। तो इनने वो अभिमत, मेरे 4 मिट्टी खदानों के लिए अभिमत चाहा गया था विभाग द्वारा, लेकिन इनके द्वारा अभिमत भेजने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी जी। आज दिनांक को तय हुआ था कि मैं 4 फाइल अपने घर यहाँ ले आऊंगा, आप आके देख लेना, मैं उनको अभिमत अपना भेज दूंगा और 2 लाख रुपए आप हमें दीजिए। तो मैंने आके उनको 2 लाख दिए, तो उन्होंने कहा सोफे में जो कवर रहता है उसके नीचे रख दीजिए। मैंने उसके नीचे रख दिए। इसके बाद विजिलेंस ने आके, जो भी टीम है उन्होंने आके उसको जांच कर ली। कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी। किस पर? आपका काम कौन नहीं कर रहा था किस पर? एसडीएम नहीं कर रहा था, एसडीएम जो आर के वंशकार है जी, ये नहीं कर रहा था। पिछले 1-1.5 माह से उसको लटकाए हुए थे, वो पैसे की मांग कर रहे थे जी। ठीक है।